हाय नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कुर्ग हिल्स जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कुर्ग हिल्स के मोस्ट 10 रिसोर्ट के बारे में, जो कि आपके लिए लाभदायक होगी और वहां आप स्टे कर सकते हो। तो कुर्ग हिल्स स्टेशन या कुर्ग पर्यटन स्थल भारत के कर्नाटक राज्य में मौजूद है, जो कि अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल और वादियों के लिए जाना जाता है। मशहूर कुर्ग प्रगति प्रेमियों को यकीनन बेहद पसंद आने वाला है। कुर्ग समुद्री तल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और साथ ही ये अपने चाय, कॉफी, घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप इन गर्मियों में कोई ठंडी जगह तलाश कर रहे हैं तो चलिए आज हम आपको बताएं यहाँ विभिन्न 10 रिसोर्ट और होटल्स के बारे में, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो और इनका प्राइस भी मिनिमम कम होगा। तो नंबर 10 की बात करते हैं। कावेरी नदी तट पर उष्णकटिबंधीय मैदानों के बीच स्थित ये लग्जरी स्पा रिजॉर्ट नामडोर्निंग मठ से 7 किलोमीटर और दुबेरे हाथी शिविर से 12 किलोमीटर दूर है। देहाती ठाट बंगलों में निजी आंगन, गुबनदार छत और सोफे के साथ रहने वाले 70, साथ ही रोशनदार और हस्तनिर्मित अत्तागुंडी टाइल्स वाले बाथरूम भी हैं। उन सभी के पास केवल टीवी, साथ ही चाय कॉफी बनाने के उपकरण भी हैं। नाश्ता उपलब्ध है। वहाँ एक प्रिकस रेस्तरा और बगीचों के बीच दृश्य वाली एक फुस्त की छत वाली छत है। रास्ते नदी के किनारे बालव्यू क्यू सेतर की ओर जाते हैं और उद्यान बैठने की जगह प्रदान करते हैं। यहाँ एक भूमिगत स्पा और एक आउटडोर पूल भी है। नंबर 9, ये आरामदायक रिसोर्ट कुल्फ लिंक से 8 मिनट की फेजर दूरी पर एवरग्रीन काउंटिंग रिसोर्ट से 5 किलोमीटर और पोपर पाइन केसल रिसोर्ट से 21 किलोमीटर दूर है। आधुनिक कैमरों में डेस्क और सैटेलाइट चैनलों के साथ फ्लैट स्क्रीन टीवी है। इसमें बैठने की जगह है और गोल्फ कोर्स के दृश्यों वाली बालकनी भी है, साथ ही मिनी बार और चाय और कॉफी बनाने की सुविधा भी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे निःशुल्क इसमें रह सकते हैं। रिसोर्ट निःशुल्क पार्किंग है, इसमें बुक थे नाश्ता वो भी फ्री है। अतिरिक्त सुविधाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरा और एक कैजुअल बार शामिल है। नंबर 8, हरे भरे जंगलों से घिरा ये अनौपचारिक होटल चिकली होल जलाशय से 3 किलोमीटर और मंगलुरु हवाई अड्डे से 168 किलोमीटर दूर है। सादे कैमरों में मुक्त वाईफाई सुविधा है, फ्लैट स्क्रीन टीवी है, मिनी फ्रिज और लिविंग एरिया के साथ साथ चाय और कॉफी बनाने के यहाँ उपकरण मौजूद है। बंगलों में सुसज्जित छतें हैं और जंगल के दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों के बीच एक देहाती लकड़ी का केबिन बना हुआ है। कक्ष सेवा इसमें 24 घंटे उपलब्ध रहती है। नाश्ता पार्किंग फ्री रहता है। खुले किनारों और 2 हवादार रेस्तरा है। एक शाकाहारी व्यंजन पेश करता है। अन्य सुविधाओं में आउटडोर पूल है, एक पूल साइड कैफे है और एक जिम है, साथ ही टेबल टेनिस, चिंदारी, स्कून फूल सुविधा शामिल है। नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के किनारे एक ग्रामीण परिवेश में ये आधुनिक रिसोर्ट निशकधामा रिजू में जिप लाइनिंग में 2 किलोमीटर और पैदा संभव बौद्ध विहार किलोमीटर मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। समसामयिक कैमरों से मुक्त है, वाईफाई है, दैनिक फलों की टोकरियां और चॉकलेट, साथ ही फ्लैट टीवी स्क्रीन और बैठने की जगह चाय कॉफी बनाने की सुविधा उपलब्ध है। कुछ में डाइनिंग टेबल के साथ अलग लिविंग रूम है। कक्ष सेवाएं उपलब्ध है। नाश्ता और स्वागत पे निशुल्क रहता है। यहाँ एक स्पा और एक फिटनेस रूम और एक आउटडोर पूल के अलावा एक कैजुअल रेस्तरा और एक रंगीन बार है। इस बगीचे के आंगन में बैठने की जगह है और एक तालाब भी है। नंबर 6 की बात करें, 1800 के दशक में 80 किलोमीटर हेक्टेयर के सांत कॉफी बागान पर स्थित पुरानी दुनिया की झलक वाला एक खूबसूरत वन लॉज 17वीं शताब्दी के गढ़ मध्य करी किले से 12 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 275 से 3 किलोमीटर दूर है। परिसकर्त कॉटेज औपनिवेशिक शैली की लकड़ी के समान बैठने की जगह और निजी उद्यानों के साथ साथ फ्लैट स्क्रीन टीवी और छत पर से छत की खिड़कियों के साथ रहते हैं। इसमें भोजन निःशुल्क है और एक पुस्तकालय भी है और गेम रूम भी है। इसके साथ में नाश्ता और वाईफाई और जो आउटडोर वाईफाई है वो भी इसमें फ्री रहता है। नंबर 5, तो इस होटल के बारे में आप बात कर सकते हैं। इसका चेक इन है 1 बजे और इसका चेकआउट का समय है 11 बजे। पता और जानकारी, हंचीकाट इस्टेट पोलीबट्टा मकुरा होसाकेरी कर्नाटक में है।
और इसका कॉन्टैक्ट नंबर और पता मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। नंबर चार की बात करते हैं, 73 हेक्टर वर्षा वन में स्थित ये आलिस्टान रिसोर्स सतरुई सदी के मदिकरी जिले से 8 किलोमीटर और सुंदर एबी कोल से 13 किलोमीटर दूर है। ऊर्जा बीम और पैनल वाली छत है, शानदार कमरे हैं, वाईफाई मुक्त हैं और एक फ्लैट स्क्रीन टीवी भी इसके अंदर रहता है। चाय और कॉफ़ी बनाने की सुविधा है और कमरों में रहने की उत्तम व्यवस्था है। जबकि बात करते हैं हम इसमें ट्रैकिंग, कॉफ़ी रखना, चखना, मिट्टी के बर्तन बनाने के क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। होटल नंबर 3 की बात करते हैं, हरे भरे जंगल के बीच पूर्व कॉफी बागान पर बना ये शांत रिसोर्ट हिंदू मंदिर से 4 किलोमीटर, 17वीं शताब्दी के मदिकेरी किले से 5 किलोमीटर और राजा की सीट एक मौसमी उद्यान से 6 किलोमीटर दूर है। इसमें आपको वाईफाई सुविधा फ्री मिलते हैं और सुबह में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना, साथ ही पार्किंग भी शामिल है। और इसमें एक पुल भी है और एक आउटडोर पुल भी है और वहाँ एक झील के किनारे एक अनोखा कैफे भी है। नंबर 2 की बात करते हैं, प्राकृतिक जन्नू के साथ हरी भरी पेड़ों से भरी भूमि पर स्थित ये शानदार रिसोर्ट नलकनार पैलेस से 8 किलोमीटर और ताड़ियाना डोमोल पर्वत से 13 किलोमीटर दूर है। हवादार कॉटेज में समकालीन उष्णकटिबंधीय शैली के समान मुक्त वाईफाई यहाँ पर मिलता है और फ्लैट स्क्रीन टीवी भी है, साथ ही रहने के क्षेत्र पूल है, आउटडोर और सोफे और बालकनी। उसके पास बैठने के सड़कें, पहाड़ी के दृश्य, बारिश की बौछार का आप आनंद ले सकते हो। नाश्ता और पार्किंग इसमें निःशुल्क रहता है और बात करें 13 वर्ष या उससे अधिक बच्चों की उम्र का स्वागत किया जाता है और 13 से कम वर्ष के बच्चों यहाँ पर फ्री रहता है। होटल नंबर 1 की बात करें, 162 हेक्टेयर कॉफ़ी और मसाले एस्टेट पर स्थित ये लग्जरी रिसोर्ट कावेरी नदी के किनारे स्थित दुबेरे हाथी शिविर से 19 किलोमीटर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से 46 किलोमीटर दूर है। औपनिवेशिक शैली की सजावट, टाइल्स फर्श और दृढ़ लकड़ी के फर्नीचर के साथ होस्ट विला और 1-2 बेडरूम और केबल टीवी और मिनी फ्रिज और चाय को भी बनाने के उपकरण साथ में कमरे के अंदर ही आपको प्रदान होते हैं। रूम सर्विस उपलब्ध है, कोई इसमें वाईफाई की सुविधा नहीं है, नाश्ता और पार्किंग निःशुल्क हैं। तो गाइज आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि वो भी कोई कोर्ग आना चाहते हैं तो उनको ये होटल्स में स्टे कर सकते हैं, ये काफ़ी सस्ती पड़ती है और आप चाहो तो और भी होटल्स बहुत सारी है उसमें भी स्टे कर सकते हो। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले कंटेंट के साथ।